हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू टेक गाइड राजमन। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं यहां पर लेके रहा हूं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो कि आपके काफ़ी काम आएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं यहां पर बताऊंगी कैसे आप बहुत ही आसानी से आप जो है अपने एडसेंस का अप्रूवल करा सकते हैं। जी हां फ्रेंड, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि फाइनली जो है हमने यहां पर जो हमारी एक वेबसाइट थी उस पर हमने यहां पर एडसेंस अप्रूवल पा लिया है। दोस्तों, क्या प्रोसेस थे, कैसे मैंने पाया, कितने टाइम में पाया, कितने दिन लग गए, सब कुछ पूरी डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी फ्रेंड, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बताऊंगा कि अगर मैं कैसे आप जो है अपने एडसेंस को अप्रूवल ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो जैसे इसकी रिगार्डिंग मैंने ऑलमोस्ट शायद इस चैनल पे जो है दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया है। एक वीडियो कल परसों में आई थी, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे किन बातों का आप रखें ख्याल, किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे ताकि आप आसानी से जो है एडसेंस का अप्रूवल ले पाएंगे। बस फ्रेंड, यहाँ पर आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपको करनी है अर्निंग, अगर आपको अच्छी अर्निंग है, अर्निंग करनी है, तो आप इस तरीके से आप एडसेंस का अप्रूवल लेके और फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट। लेकिन कंडीशन एक ही कि ब्लॉगिंग करनी है तो आपको इस बात पर डेडिकेशन के साथ आपको लगे रहना पड़ेगा। और एक चीज़ और कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, अब हुआ क्या, केस क्या बना, देखिए कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था रिजेक्ट, कुछ एरर, उसको फिक्स किया, कुछ एरर, फिर कुछ किया, फिक्स एरर, यानी कि तीन अटेम्प्ट मैंने किए और उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, स्टॉप, पोस्ट भी अब डालना अपलोड, सब कुछ डालना बंद। फिर मैंने ये देखा आखिर में वजह क्या आ रही है, क्या वजह से, हालांकि तीनों वजह मैं देख ही रहा था लेकिन फिर भी एग्जैक्टली वहाँ पे उसका शॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर फाइनली जो है मैंने फिर से अप्लाई किया और जब मैंने दोबारा अप्लाई किया तो फिर फाइनली क्या हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जब ये मेरे को मैसेज मिला, यानी कि कल सुबह मॉर्निंग में जब मेरे को ये मैसेज मिला था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और पहली बात तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि एडसेंस अप्रूवल हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि हम कैसे लें, तो दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ अपडेट, मैं कुछ ट्रिक्स आपको यहाँ बताता हूँ कि कैसे आप अप्रूवल ले सकते हैं एडसेंस का, वो भी बहुत आसानी, बिकॉज जो बता वही सकता है जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस फेस करता है और जिसको इस चीज़ के बारे में जानकारी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहली बात कि आप जब कभी भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें तो पहली चीज़ कि आपकी जो वेबसाइट हो उस वेबसाइट पे कम से कम 20 से 25 पोस्ट तो होना ही चाहिए। और ट्राई करें कि एक पोस्ट की जो लेंथ हो, कम से कम एक पोस्ट की लेंथ जो है 1500 वर्ड से ज़्यादा हो। अगर 1500 वर्ड से ज़्यादा हो, क्योंकि जब 1500 वर्ड से यानी 2000-2500 वर्ड्स होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा रहेगा। और इस केस में और ख़ास करके इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यूनिक कंटेंट हो आपका, ऐसा नहीं कि जस्ट कहीं से भी कॉपी पेस्ट उठाया और जस्ट अप्लाई कर। लेकिन आपको पता फ्रेंड्स कि हमारी जो वेबसाइट पर अप्रूवल मिला है वो मिला है कॉपी पेस्ट से, बस तरीके बदले, वहाँ पर मैंने प्रोसेस चेंज किया, उस प्रोसेस को बदलाव किया, यानी कि लिखने का तरीका, इमेजेस को बनाने का तरीका। तो एक बात यहाँ पे मेरे को एक बात समझ में आई कि यार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कोई डायरेक्ट पिक्चर मत उठाओ, आप यहाँ से ये चीज़ मत उठाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक चीज़ क्या केस बनता है। जब कभी भी आप कोई पिक्चर उठाते हैं तो वहाँ पर एक होता है मेटा डेटा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक होता है मेटा डेटा। वो मेटा डेटा क्या करता है, बेसिकली उस इमेज के अंदर ही एक उस इमेज में ही एक फाइल होती है जो फाइल ये स्टोर करके रखती है कि ये इमेज कब क्रिएट की गई थी, इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसके ऑथर क्या है, इसका ऑनर कौन है, एक्सपेजेड। इस तरीके से लोग मेटा डेटा फाइल वहाँ पर जनरेट करते हैं और उसके थ्रू ही वहाँ पर गूगल ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये इमेज कॉपीराइट है, क्या है, क्या नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करें, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट वे हो, बट मेरा पर्सनल यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा है मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप क्या करें, जो कोई भी इमेज उठाएं, अगर आप मान के लिए लिरिक्स वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें अगर आप कोई भी इमेजेस उठा रहे हैं जस्ट उसमें एडवांस कीजिए, लाइक अगर कुछ लोगो हैं एक्सपायर्ड कोई चीज़ उनको रिमूव कीजिए और अपने कुछ टैक्स ऐड कीजिए और उसके बाद में वहाँ पे उसको अप्लाई कीजिए। बिकॉज आपने अगर देखा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आसानी से आप जाके उस वेबसाइट पर क्लिक करके आप वहाँ पर विजिट कीजिए, देखिए क्या आपको भी ऐड दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और अगर आपको भी ऐड दिख रही है एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि दिख रही है, एड दिख रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से एक कन्फर्मेशन आ जाएगा आप सबकी तरफ से। बस फ्रेंड, इस तरीके से जो है ये था पहला मेथड कि आप कम से कम पोस्ट जो बनाएं
वो कम से कम 20 से 25 पोस्ट लिखें, और साथ ही साथ यहाँ पे टॉप लेवल का डोमेन आप परचेज करें लाइक .com, .in, .org, इस तरह से .co, ऐसे डोमेन परचेज करें बिल्कुल टॉप लेवल डोमेन, तो ताकि जो है आपको और चांसेस यहाँ पर मिल जाए। और दूसरी तीसरी बात फ्रेंड्स यहाँ पे कि आप अगर ब्लॉगर पे अगर आप अप्रूवल ले रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे अगर आप वर्डप्रेस की कोई थीम होती है उसके ऊपर अप्रूवल लेते हैं तो जल्दी चांसेस हैं कि आपके जल्दी अप्रूवल वहाँ पे मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थी ये तीसरी बात। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे चौथी बात की, आपने क्या करना है कि जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें, मान के चले आपके 20 पोस्ट हो गए, और 20 पोस्ट के बाद आप जब भी अप्लाई करें कि एडसेंस के लिए अप्लाई करें, तो उस टाइम पर आपको कुछ भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रहे, ना आपको कोई सेटिंग करनी है, ना आपको कोई पोस्ट डालना है, आपको कुछ भी नहीं करनी है अपनी वेबसाइट के साथ। जस्ट अप्लाई कीजिए, छोड़ दीजिए, और आप इंतज़ार कीजिए कि गूगल की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, क्या मेल आता है। इन सब बातों को आप ध्यान रखिए, जब मेल आए अब उसका रिप्लाई कीजिए वहाँ पे उसके बाद। और आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, आप तब तक कोई सेटिंग ना करें, तब तक कोई नई चेंजेस ना करें जब तक आपको फाइनली आपके पास रिजल्ट आना जाए। और हाँ, अगर आपके पास जो है रिजल्ट अगर नहीं आता, फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर प्रोसेस कि अब क्या करें। अगर 2-3-4 बार रिजेक्ट हो जाता है फिर उसके बाद क्या करें, कि कैसे आपका अप्रूवल मिल जाएगा, एक ट्रिक बताऊँगा उस टाइम पर, आसानी से वो जो है आपका अप्रूवल मिल जाएगा। तो बस फ्रेंड इन सब बातों का आप रखिए ख्याल, यूनिक कंटेंट, यूनिक चीज़ें, यूनिक पोस्ट, सब कुछ बढ़िया से मैनेज कीजिए। और जो पेजेस हैं इसके लिए लाइक जैसे आपका अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, और आपका डिस्क्लेमर एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे पेजेस को जरूर आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए, साइट मैप कीजिए, बस अप्लाई कर दीजिए। डेफिनेटली 100% आपको अप्रूवल मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला है। और बस फ्रेंड फिलहाल की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपने अभी मेरी वेबसाइट नहीं देखा, लिंक में है डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप आसानी जाके उसको ओपन कीजिए, आप जाके चेक कर सकते हैं कि शुरुआत किया था मैंने इस वेबसाइट से, यहाँ पे अप्रूवल लिया, अब देन इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट। और आने वाले टाइम पे इसी तरीके ही और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मैं लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों एक बात और, जो मैंने वेबसाइट मैंने अप्रूवल की है उस वेबसाइट का ही मैं एक ट्यूटोरियल भी चल रहा है कि कैसे आप उस वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाएगी। तो बस फ्रेंड आप सोचना छोड़िए, अगर आप भी करना चाहते हैं इस तरीके से वेबसाइट को डेवलप, तो बस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आसानी से सबको सीखते रहिए। बस वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि क्या पता किसके ये वीडियो काम आ सके। अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों वीडियो के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। फिलहाल की वीडियो दोस्तों इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, सब कुछ आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बाकी इंस्टाग्राम पे। इसी तरीके से दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे हैं नए तो चैनल को ले सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।